हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10 पक्षियों के नाम संस्कृत में। 10 पक्षियों के नाम संस्कृत में। इधर हमारे होंगे हिंदी पक्षियों के नाम। हिंदी में पक्षियों के नाम, और इधर होंगे हमारे संस्कृत में पक्षियों के नाम। आज हम पढ़ेंगे कुल 10 पक्षियों के नाम संस्कृत में। कुल 10 पक्षियों के नाम संस्कृत में। इधर होंगे हमारे हिंदी पक्षियों के नाम, हिंदी में पक्षियों के नाम, और इधर होगा हमारा संस्कृत में पक्षियों के नाम। तो आइए हम पहले से शुरू करते हैं। पहला है हमारा चमगादड़। पहला है चमगादड़ को हम संस्कृत में कहते हैं जतुका। चमगादड़ को हम संस्कृत में कहते हैं जतुका। चमगादड़ को संस्कृत में कहते हैं जतुका। दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुपह। मधुमक्खी को हम संस्कृत में कहते हैं मधुपह। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुपह। तीसरा है हमारा भौरा। भौरा को हम संस्कृत में कहते हैं भ्रमरह। भौरा को संस्कृत में कहते हैं भ्रमरह। चौथा है मुर्गा। मुर्गा को हम संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटह। मुर्गा को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटह। मुर्गा को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटह। पांचवा है सारिका। सारिका को हम दूसरे शब्दों में या फिर दूसरे नाम में मैना कहते हैं। सारिका को हम दूसरे शब्द या फिर दूसरे में मैना कहते हैं। संस्कृत में हम इसे कहते हैं कलह प्रिया। छठवा है हमारा सारस को हम संस्कृत में कहते हैं सारस को हम संस्कृत में कहते हैं सारसह। पहले से देखेंगे पहला है चमगादड़। चमगादड़ को हम संस्कृत में कहते हैं जतुका। दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुपह। तीसरा है भौरा। भौरा को संस्कृत में कहते हैं भ्रमरह। भौरा को संस्कृत में कहते हैं भ्रमरह। चौथा है मुर्गा। मुर्गा को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटह। पांचवा है सारिका। सारिका यानी कि मैना। मैना को हम संस्कृत में कहते हैं कलह प्रिया। छठवा है सारस। सारस को हम संस्कृत में कहते हैं सारसह। सातवां है कौवा। कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकह। कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकह। कौवा को संस्कृत में कहते हैं काकह। आठवां है कोयल। कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिलह या फिर पीकह। कोकिलह या पीकह। नौवां है फाख्ता। फाख्ता को हम संस्कृत में कहते हैं कपोतह। फाख्ता को हम संस्कृत में कहते हैं कपोतह। दसवां है हमारा मोर। मोर को हम संस्कृत में कहते हैं मयूरह। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरह। तो ये हो गया हमारा 10 पक्षियों के नाम। पहला है चमगादड़। चमगादड़ को संस्कृत में कहते हैं जतुका। दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी को मधुपह। भौरा भ्रमरह। मुर्गा कुक्कुटह। मैना कलहप्रिया। सारस सारसह। कौवा काक। कोयल कोकिलह और पीकह। फाख्ता कपोतह। मोर मयूरह। धन्यवाद।